मोनालिसा, इस पेंटिंग को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये है सुप्रसिद्ध पेंटिंग द लियोनार्डो विंची का। इस पेंटिंग के बाद उनका द्वितीय सबसे सुप्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सफर। ये पेंटिंग 15वीं शताब्दी में बनाया गया दुनिया का सुप्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में जीजस को उनके 12 शिष्यों के साथ अपना अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग को आप किसी भी म्यूजियम में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाया ही गया है एक दीवार में। दरअसल इस पेंटिंग को मिलान शहर के एक चर्च के भोजन कक्ष के एक दीवार पर बनाया गया है। इस पेंटिंग में लास्ट सफर से तात्पर्य यह है कि जीजस को जब रोमन द्वारा पकड़ लिया गया था, तब उनको सूरी चराने से पहले जो लास्ट भोजन, लास्ट मील दिया जा रहा था, तब के चित्र को वर्णन करते हुए लियोनार्डो द विंची ने इसको बनाया है। विंची द्वारा इस पेंटिंग में उन क्षणों को क्या करना चाहते थे जब जीजस अपना लास्ट भोजन ले रहे थे और बोल रहे थे कि तुम 12 शिष्यों में से कोई एक मुझे अभी धोखा देगा। ये बात सुनकर सभी शिष्य अचंभित हो जाते थे। जैसे कि आपको चेहरा देख के सभी शिष्यों का अनुमान हो ही गया होगा कि सभी शिष्यों का चेहरा एक गहरा चिंतन के भाव में आ गया था। दरअसल क्रिश्चियनिटी के धर्मग्रंथ बाइबल के अनुसार जीजस कहते हैं कि तुम में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। तब उनके एक शिष्य फिलिप्स पूछते हैं, हे प्रभु, क्या वह दगाबाज मैं हूँ? तब वे जीजस कहते हैं कि जो कोई भी विश्वासघात है वो मेरे साथ ब्रेड के टुकड़े को उठाएगा। अब आप इस पेंटिंग में देख ही सकते हैं कि एक शिष्य ब्रेड की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, जिनका नाम है जूडस। जी, दरअसल जूडस ही वही इंसान था जिसने जीजस के साथ विश्वासघात किया था। दरअसल आप अगर गौर से देखें पेंटिंग में, जूडस ही अकेला ऐसा इंसान है जिसे विंची ने सांवले त्वचा से दर्शाया है, और उनके दाहिने हाथ में पैसों से भरा थैला देख सकते हैं जो कि रोमन ने उन्हें दिया था जीजस के मारने के लिए या जीजस के साथ विश्वासघात करने के लिए। दरअसल ये बात कहा जाता है कि जब विंची को ये जो दुष्ट है जूडस का चेहरा बनाने की बारी आई, तो दरअसल वो मिलान शहर में गए और जेल में ऐसे दुष्ट को ढूंढने लगे जिनका चेहरा एक्चुअल में दुष्ट जैसा दिखता हो, और जब वो मिल गए तब उनको चेहरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जूडस के चेहरे को बनाया। परफेक्शन देखिए आप श्री विंची जी का। द लास्ट सफर इतिहासकारों के बीच बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि इतिहासकारों को इस पेंटिंग ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस पेंटिंग में बताया जाता है कि कई सारे रहस्य मौजूद है जिसे आज तक ढूंढ नहीं पाया। दरअसल एक इटालियन कला विशेषज्ञ सबरीना सोर्जा गालिटजिया, क्षमा कीजिए अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इन्होंने 2010 में इस पेंटिंग के एक रहस्य के बारे में बताया कि उनका मानना है कि इस पेंटिंग में विंची ने दुनिया ख़त्म होने का डेट भी लिखा है। दरअसल उनका कहना है कि विंची के इस पेंटिंग के अनुसार 6 में दुनिया का अंत हो जाएगा। दरअसल ईसाई धर्म में हॉली ट्रिनिटी पवित्र त्रिएक को बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि क्रिश्चियनी के अनुसार कि परमेश्वर 3 तत्वों से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो इस पेंटिंग में 3 चीज़ों का बहुत ही महत्व दिया है, जैसे कि इस पेंटिंग के जीजस के पीछे जो खिड़की है वहाँ पे 3 खिड़की है। इस जीजस के जो सभी शिष्य है वो करीबन 3-3 के जोड़े में बैठा हुआ है, तो इस वजह से उनका मानना है कि ये वही हॉली ट्रिनिटी को दर्शाया। इतिहासकारों का मानना है इस पेंटिंग में एक गलती है। इस पेंटिंग में जो गलती है वो भोजन में इल मछली के साथ संतरे के फोके भी परोसे गए हैं, लेकिन जीजस के सूली पर चढ़ाए जाने के कई सदियों बाद तक भी मध्य पूर्व क्षेत्र में संतरे आए नहीं थे, संतरे पहुँचे नहीं थे। तो ये सवाल उठता है, जब उस समय संतरे थे ही नहीं तो खाने में परोसे कैसे गए थे? तो इतिहासकारों का कहना यह भी है, जब विंची ये पेंटिंग बना रहे थे यानी विंची के समय इल मछली के साथ संतरे खाने का एक प्रथा था, उस हिसाब से
अपनी ही प्रथा से इंस्पायर होकर उन्होंने यह पेंटिंग में प्रदर्शित किया। इस पेंटिंग को विंची द्वारा बाहरी एक पतली दीवार पर बनाई गई थी, तो जब नमी की शुरुआत होती थी तो इस पेंटिंग को क्षतिग्रस्त करती थी। जब से ये पेंटिंग 1498 में बनकर तैयार हुआ, तब से ये पेंटिंग क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया था। 1796 में फ्रेंच क्रांतिकारियों सैनिकों द्वारा पेंटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान पड़ोसी देशों के बमबारी को कारण भी इस पेंटिंग में काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे कि पहले ही बताया, विंची ने इस पेंटिंग को दीवार पर बनाया, तो 1692 में इस दीवार के निचले हिस्से को काटकर दरवाज़ा बनाया गया, ठीक जो जीजस है उनके पैरों के साइड आप देख सकते हैं पेंटिंग में। फिर बाद में उसे रिकवर कर दिया गया एक दीवार बना के। द लास्ट सफ़र पेंटिंग के 3 डुप्लीकेट्स भी बनाए गए, जिसको कहा जाता है कि विंची के शिष्यों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि अभी जो पेंटिंग दीवार पे है वो विंची की ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, क्योंकि जब बार बार क्षति होता था तो उस पर रीपेंट करके फिर से उसे एक अच्छे स्वरूप में लाने की कोशिश किया जाता था। तो इस वजह से जो ओरिजिनल लियोनार्डो द विंची के हाथों द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी वो अभी नहीं है। जब से ये पेंटिंग बनाई तब से 1999 तक तो सिर्फ 7 बार इस पेंटिंग को फिर से रिपेंट किया गया। इस पेंटिंग को फर्स्ट रिपेंट 1726 में किया गया था और जो लास्ट पे रिपेंट हुआ इसके ऊपर वो 1999 में हुआ था। दुनिया से हर साल इस पेंटिंग को लगभग 3.5 लाख लोग प्रतिवर्ष देखने आते हैं। द लास्ट सफर पेंटिंग के ठीक सामने की दीवार पे एक और पेंटिंग बना है। इस पेंटिंग को जीजस को सूली पे चढ़ाए जाने की घटना का वर्णन किया है।